हाय स्टूडेंट्स, एज यू नो कि लॉकडाउन बढ़ गया है, इसलिए पढ़ाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे कि सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। ताहे तीहे तेहें, ये होता है इसके अंदर। अपन ने पहले से पढ़ रखा है इसको। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब ऐसे के ऐसी आ जाती है, उसमें कुछ नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एकवचन सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट आता है। ये अपने को पता है पहले से। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होता है, उसके अंदर डू डज और प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं, क्वेश्चन मार्क लगता है। और डब्ल्यू एच के जो शब्द होते हैं उसके साथ प्लस डू और डज, डज आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है यानी एक वचन सब्जेक्ट में लगता है। डू आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। डू के साथ प्रयोग नहीं होता। पहचान के शब्द हम ये पहले भी लिख चुके हैं, हमने पहले टेंस पढ़े थे तब। ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, मंथ, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, समटाइम, नॉर्मली, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ये पहचान के शब्द हैं। अब इसकी अपन एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे कि हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज में मैं 10 आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, वो आपको करने हैं। थैंक यू।